ताज़ा नहीं है जैसे 2010 में पानी आया था, अभी उससे ज़्यादा आ गया है। अभी इस पे हम डिज़ाइन करेंगे, ये तो सारा काम खुदा के हाथ में, फिर ये फिर ज़्यादा पानी आ जाए रेन, और ये सारा बलूचिस्तान का पानी भी इधर से ही हमारे। तो आपकी क्या एडवाइस है इसमें? इस पे सर फिजिबल स्टडी होनी चाहिए पहले तो। सर देखिए 2010 का पानी था सारा रिवर का, जो कि ब्रिज पड़ा टोड़ी की थी, अच्छा इधर से पड़ा और वो बंद के अंदर था। ये 2007 में भी हमारे पास ब्रिज हुआ है, FP बंद, ये काफ़ी होता रहता है, बट पानी इतना ज़्यादा है जो भी बारिशों का आ जाता है, बरसाती नालों का बंद नहीं रुक सक रहे। पर इस दफ़ा आपको इधर से बारिश का पानी आया, बलूचिस्तान की बारिश और अपना बारिश का पानी, अपना बारिश का पानी, ये सर सारी नेज है जो ऊपर से ये सारी स्टॉर्म ये जो बरसाती नाले हैं, बरसाती इसका हिल टॉरेंट्स, हां हिल टॉरेंट्स, इधर मतलब बरसात नहीं होती है, ये मंशर वापस आके लड़काना को सर अभी जो पानी यहां से जो एस्केप नहीं है ना इसको, तो ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट को के कुछ एरियाज और ये कंबर शहदाद कोट का पानी कहीं पे भी इसका एस्केप वे नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे इट इज गोइंग स्लोली, जो इस साइड पे जो सिप्रो से इस साइड पे जो ब्रीच हुआ है हमारा नादरखाना, सिप्रो की क्या है सही हेड था जो सेम धामरा बिसर में दो सिप्रो और आगे थे हेड मधिया से पीते, ये जो ही सिप्रो बना रहे थे आज, ये जो कोई इफेक्ट है ना, एक खेत नाथन शाह मेहर जो ये पार्टम इते पानी जो पके अंदर वाली साइड ते तो वने वो तो हाने इन में मच्छर में नंदो ना इनके तो बे आउट देना पड़ता है। ये सजो ता जो MNV में भी हिते जो को आए ना हिस्सा ही ता MNV ता जी खत्म आए जो ही ब्रांच ताई ऑल दिस इज बिकम वन पॉकेट सेंटर को सही ता सही ता चो, पर जे को सुप्रियो को ब्रिज भी जी जे को मेहड बारे है जे को नसीराबाद आर साइड ते इनके वे आउट देनो पड़ता है। आप बताओ कहां से यो वे आउट देनो पड़ता है? यो वे आउट सर इने जो नेचुरली या यो सागे ही रूट ना, वे आउट किथा दियो बतायो साईं नादर खान ऐं असां जेको रे आउट कयोसीं, नादर खान हिकिड़ो मिंट अचो, वे आउट जेको आहे साईं हुन सां बि डिस्कस करिणो पवंदो दादू डिस्ट्रिक्ट से, नहीं तो ये अभी लड़का ना टेक द वाटर आउट, देयर इज अ वे टू टेक द वाटर आउट बट वी नीड टू बी ऑन द सेम टर्म्स। नो वी आर रेडी टू ड्राउन आवरसेल्व्स, नो 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 दैट्स नॉट द पॉइंट, ड्राउन तो हम सब हो गए हैं, बट जितना कम नुकसान हो सके वो। नहीं अब निकलेगा ये जो पॉकेट है ना, ये कैसे निकलेगा? ये पॉकेट आपको बेसिकली जो आप एक तो आपका शहर डूब गया खैरपुर नाथन शाह, अब मेड़ का भी कल पता किया था कोई 1.5 फुट का फर्क था बंद का, अब एक तो उसको स्ट्रेंथन करें आप मशीन्स लगाएं, बट वी नीड टू धामरा वहाँ से रास्ता देना, ठीक है आपकी धामरा ही है ना? ना मत धामरा ही है, घाट है पूरी धामरा, ऐसा ये रोड केड़ी है मेहड़ वाली है रोड है ये कोना है ना जी, हाँ। ये कलम ने सारा चेक किया, ये इसने पूरा रोका हुआ है पानी, अब वो जो बंद टूटा हुआ है ना आकर इधर रुका है, नहीं लेकिन इधर MNV खत्म है ना, इधर MNV नहीं होगी, टूटा हुआ चल रहा है, ये सारा यूं ही जा रहा होगा ना, ये सब नहीं, अब हो रहा ये है कि ये जो इसको जो कट लगी है ना, दिस इज ऑल लो लाइंग एरिया, दिस इज ऑल द खीरतर माउंटेन्स, सो दिस वाटर हैज गॉन हियर, सो यस्टरडे व्हाट वी सॉ सॉरी ये सारा जो है अब खुश्क हो रहा है, पानी उतर कर इधर आ गया, अब इधर आ गया तो ये अब जाएगा रिवर की तरफ, इसको रास्ता दें इधर जाए ना नीचे, अब ये यू हैव टू ब्रांचेस जो भी हैं अभी जो पानी चल रहा है वो ऐसे समझे कि रोड बना हुआ है धामरा वहाँ पे, कलम खुद देख कर कुछ जगह पे कट लगा हुआ है पर वो सुपरों की तरफ है, अब जाहिर है मेड़ वाले नहीं चाहेंगे कि जी आप ये इंडस हाईवे की तरफ आप ले लें क्योंकि पानी उधर आएगा, इन बिटवीन करें जी तोड़ें, इन बिटवीन तोड़ना पड़ेगा कि रास्ता दे कि पानी निकले, जो ही ब्रांच है जो भी ब्रांचेज है तोड़कर आपको देना है टिल मंचर, ये जो है रोड है आपका ना जी, इसको आप डूबा हुआ है बिकॉज ऑफ सुप्रियो, यस ठीक है, मेहड़ को बचाया हुआ है, अब ये वाले कहते हैं धामरा जैसे ही गया तो मेहड़ तो बिल्कुल नहीं बचेगा, नहीं अब मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपको, आप इसको इधर से नहीं तोड़े ना, यू कैन नॉट गो ऑन दिस साइड, फिर तो डूबेगा, ट्राई टू स्टे ऑन दिस साइड, एक काम करते हैं विल सेंड जाम खान आपके साथ बैठे और वो देखे कि जो भी पॉसिबल वे है वो कीजिए, आई विल सेंड जाम खान टुनाइट, वे इज देयर, द पॉइंट इज टू टेक अ डिसीजन, ही विल टेक अ डिसीजन, टेक अ डिसीजन, गिव द वाटर वे, जो तबाही करनी थी किया और तबाही नहीं किया, जाम खान भेजते हैं अगर वो टिल योर एरिया वहां से तोड़कर आप आगे निकालें रिवर, कहां रिवर में भी नहीं निकलेगा, देखिए इशू क्या है, रिवर उतर रही है ना, ये उतरने में 15 दिन है, मंचर वाज 123, मैं ये दोनों एस्केप ऑर्डर हेड और टेल से पानी जा रहा था, पर वो कम है, ये ब्रीच कर दिया हमने इधर से, सही है, अब ये पूरा पॉकेट पानी में आ जाएगा, बट व्हाट विल हैपन इज मंचर 123 से उतर के 118 117 पे आएगी, सो दिस वाटर
will just fill this pocket in 2 days. Then water will not go into the. हमें ये gate बंद करने पड़ेंगे because river ऊपर हो जाएगा. हाँ पर river अभी तो आपने आज आज देखा ना. बाद नीचे होगा. यही मसला यही कर रहा है. In 2010, the river Indus was 140. आज पानी कड़ी तो दिया था. कड़ी भी मार कड़ी है हम ना सब पानी. अच्छा जो तो मार कम. नहीं तो वापस नहीं. वापस नहीं. पानी ऊपर नहीं जाता वापस. On its east there is the Ladkana, sir. On its south, sir, there is Dadu, sir. Basically, there are 52 union councils, sir. Population as per 2017, sir, 13,41,000 plus, sir. Municipal committees, 2, sir, 7 town committees, sir. बेसिकली जो वल्नरेबिलिटीज हैं इस डिस्ट्रिक्ट की, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे सर, टॉरेंशियल हिल हैं सर हमारे खेतर साइड से, ये भी सारा बेसन खुशदार वाटर आता है सर, जलमक्सी वाटर आता है, मोलान ड्रेन और मोलान जो है वो नदी का पानी सारा का सारा हमारी तरफ आता है. इन एडिशन टू दैट, इस बार जो मानसून का स्पेल हुए सर, 4 spells हुए सर. पहले स्पेल में निस्बतन ऐसी इतनी बारिश हुई जो सस्टेन करने वाली बात है, लेकिन जो अभी लास्ट स्पेल हुआ है सर, 4th spell, इसमें देखेंगे सर, यानी एक तरफ बलूचिस्तान का जो पानी आ रहा है वो प्लस में ये जो बारिश ने ऐड किया है सर, ये बारिश तो हर जगह यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट और ऊपर जैकबाबाद वगैरह बलूचिस्तान साइड का पानी ऐड करने के बाद ये जो पानी का लेवल है ये सस्टेनेबल नहीं था, जो कैपेसिटी हमारे ड्रेन सिस्टम्स हैं उसके हिसाब से. इसकी वजह से ये थोड़ा अंदाज़ा मिल सर, इन ये 2021 सर, ये हमारा सर जो ऊपर बलूचिस्तान वाली साइड पानी है, ये हमारा रिवर इंडस है, ये पूरा लाड़काना डिवीज़न है. एक साल पहले सिचुएशन ये थी, इस साल की सिचुएशन ये है सर. ये जो सारा ब्लू नज़र आ रही पानी है सर, जो कि बलूचिस्तान साइड से और बारिश जितनी हमने अभी सर, जिसकी वजह से यानी पानी को नेचुरल कोर्स तो डाउनवर्ड ही चाहिए, लेकिन ये है कि शहरों से गुजरता हुआ नुकसान वगैरह के साथ तमाम 52 UC सर अफेक्ट हुए हैं हमारे, और इसके साथ सर डायरेक्टली मेन क्रॉप कौन सी डैमेज हुई? मेन क्रॉप सर, मेन क्रॉप जो अभी पेडी सर, इस वक्त 95% जो और खजूर सर वो पीछे वीट भी नहीं कर सकेंगे, वीट का भी हमारा पानी है हम निकाल नहीं सकेंगे. नहीं निकाल सकेंगे. कब तक निकालना पड़ेगा सर ये? जब तक वाटर वे वीट की स्विंग कब होती है सर? ये नवंबर के स्टार्ट हो जाती है. हम अक्टूबर तीन दिन में खुश नहीं होगा सर. इतना पानी है आपके सामने है कि ये हमें पानी निकालने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के जो वापरा के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे उनको रिपेयर की ज़रूरत है सर. हमें एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है कि हम पानी निकाल सकें. ये लोग घरों को जाना चाहते हैं सर. जी ठीक है और जो घर से जो घरों से जिनके कच्चे मकान वगैरह सारे डिस्प्लेस हुए हैं, ये यहाँ से ये कि ये टोटल आबादी अफेक्ट हुई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ये वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल के आए हैं मुख्तलिफ जगहों पर. यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये है कि उनको क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही जहाँ पे पानी ना हो, तो हमें हमारे पास जो जगहें बस्ती हैं हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पानी था तो हम इनको रोड्स की तरफ जहाँ पे हमारे पास सेलर्स थे या जो ऐसी स्पेस ओपन जगह हैं, तो हमने कोशिश की वहाँ तक उनको लेकर आए. और लाइव स्टॉक जो है वो तकरीबन बहुत कम है सर. यहाँ पे हमने अर्ज किया कि सर्वे सर, क्योंकि एक्सेस नहीं है अभी भी ना, अभी भी पानी है जो मरा हुआ है वो लिखा है सर. अंदर तो हम पहुँच साहब, कॉटन भी कहीं डैमेज हुई? कॉटन 100% है. कॉटन तो यहाँ पे नहीं होता. दादू वगैरह जी सर, फिगर जो है ये 127, ये भी हम जहाँ पहुँच सकें. अभी आपने एरियल व्यू देखा होगा, वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है कि उनके घरों का हम डेटा निकाल सकें. लोगों तो ले आए निकल जाता है, लोगों को तो ले आए. इसमें आप लोग थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को मुझे सबको कम बताते हैं, इसलिए कि कच्चा मकान कोई भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा. जब कोई नहीं बचा है उसका आपके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेंसस है कि कितने कच्चे मकान आते हैं, हाउस होल्ड का डेटा है. सबको आप
उन सबको आप डैमेज ऐसे ही है सर, ताकि क्वांटम का तो पता चले ना कितनी है। ये बाइफर्केशन बेसिकली तहसील वाइज है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो कम बचे सर। सर सबसे पहले जुलाई में इमरजेंसी सर यहाँ पे नाफिज किए गए थे और तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट किया गया था, और जहाँ तक रेस्क्यू के ऑपरेशंस हो गए, रिलीफ के ऑपरेशंस हो गए, मेडिकल केयर के हवाले से एफर्ट्स ड्यूरिंग मानसून बारिशें और जहाँ जहाँ से पानी की कोशिश। अभी वबाई बीमारी का क्या हाल है सर? इसमें हमारे पास गेस्ट्रो का, मलेरिया का हो रहा है, और मलेरिया का जी सर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमें सर बहुत सारे गेस्ट्राइटिस जी सर प्रॉब्लम यही आ रही है सर, जो हमारे मानसून में कैंप्स लगे हैं भाई। वो मेरी चेयरमैन एनडीए में से बात कराए इस वक्त सर, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट और पीपीएच है एक्टिव है सर, हमारे 1300 से 1400 कैंप्स इस वक्त काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर सर। सर ओपीडीज की हैं 35,000+ ओपीडीज हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं वो हुए हैं सर डायरिया के, नंबर टू जो हैं वो हुए हैं सर ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चेस्ट के हवाले से, उसके साथ साथ मलेरिया हुआ है सर। तो ये सर हमारे पास जो, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं, जो अभी तक हमें रिलीफ ऑपरेशन मिला है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है सर, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा अभी हम सर ऐसा कर रहे हैं कि कुक फूड हम मुख्तलिफ जगहों पर बनवा के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास यहाँ पे नहीं पहुँचे। मैं अर्ज़ करूँ सर, कल मैं हेली का एक मुझे ट्रिप मिला, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा कि लोग अभी तक बैठे हुए हैं पॉकेट्स में, वो यहाँ से वहाँ से नहीं निकलना चाह रहे, क्योंकि उनके पास लाइव स्टॉक है वहाँ से, जो माल मवेशी है, ज़मीनें उनकी ख़त्म हुई हैं, उनके पास जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है वो लाइव स्टॉक है, तो वो उनको छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, तो वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं हम हेली के जरिए और बोट्स के जरिए वहाँ तक राशन पहुँचा रहे हैं। के लिए भी चारे वगैरह उसके अलावा जो हमने अपना एड दिया, उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी को भी, जो नेवी को भी अपनी तरफ से मुख्तलिफ जगहों से लेकर आ रहे हैं, उनकी तरफ से बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं जो बोट्स के जरिए, तकरीबन 2000 के करीब एज ऑफ नाउ वो रेस्क्यू के लिए इवैक्यूएट किए सर। बलूचिस्तान सूबे में 51 लोग फंसे हुए थे, वो हमने निकाले जाके बॉर्डर पे। अच्छा जी सर, सिंध ने निकाले, हमने निकाले। बहुत अच्छी बात। 230 जो हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में रिलीफ कैंप्स बनाए हैं वहाँ पर हम खाना पहुँचा रहे हैं 52,000 तकरीबन लोगों में सर। हमारे पास जो फिक्स्ड हैं हॉस्पिटल टेंट्स वो हमारे पास 5 हैं, बाकी जो हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं उसमें मेडिक्स और पैरामेडिक्स स्टाफ के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्क्रीनिंग और ओपीडी का जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है ऑन इमीडिएट बेसिस 50,000 एटलीस्ट टेंट्स मिले, लेकिन उसके अलावा हमें 40,000 और चाहिए होंगे। अगर ये इमीडिएटली मिले तो ये कम अज़ कम जो डिहाइड्रेशन धूप की वजह से हो रही उससे भर सकेंगे। राशन बैग सर यानी 10 दिन के लिए एक राशन पैकेट हो सकता है 50,000, तो उनके लिए एक महीने के लिए कम से कम 1.5 लाख जो है वो राशन पैकेट्स होने चाहिए सर। उसके अलावा सर बाकी उनके लिए रिलीफ वगैरह के हवाले से हमारे कुछ सेशन है, हाउसेस की रिहैबिलिटेशन है। लॉन्ग टर्म में ये सर रिलीफ पैकेज फॉर अफेक्टेड पीपल, उसके अलावा रिहैबिलिटेशन ऑफ ऑल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट अंबर शहजादकोट, ये सर MNV ट्रेन है इसकी रिहैबिलिटेशन सर, इसको मजबूत। अभी जैसे अर्ज़ किया कि 2010 में जो फ्लड आया था, जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी उससे 6 फीट ऊपर आया था, तो 6 फीट ऊपर तक उन्होंने FP पंप बनाया, इस दफ़ा उससे भी ओवरटॉप किया है, ब्रीच किया, यानी इससे भी ज़्यादा बारिशों की वजह से, तो इसको मज़ीद हमें इन्हांस करना होगा, अपग्रेड करना होगा। FP पंप के ऊपर सर हमें रोड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोड नहीं होता, कच्चा होता है, बारिशों में वो उससे ब्रीचेज़ होती हैं, उसको कमज़ोर करता है, अगर मजबूत होगा तो इसमें हमारी मोबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा जो काछो एरिया है सर बलूचिस्तान, जो हमारा FP पंप से अंदर की तरफ है, वहाँ पे ब्रिजेस की ज़रूरत है ताकि हमारी रोड कनेक्टिविटी और एक्सेस हो सके। उसके अलावा से स्मॉल डैम्स की हमारा प्रपोजल है कि जो पानी है उसको हम स्टोर कर सकें और लोगों तक इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो हम कर सकें। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी और आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई कि जिस तरह आपने हर चीज़ को आपने देखा है, परखा है और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दैट शोज दैट योर हैंड्स ऑन। थैंक यू। CM साहब की डेली हमें वहाँ से फ़ोन आता है। ये जाहिर है जी, वो तो मिलावल साहब या CM साहब की लीडरशिप में हो रहा है ना सारा कुछ। थैंक यू। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ कंबर शहजादकोट में